किसान आंदोलन में आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर बच्चे, बुजुर्ग, युवा इकट्ठे होकर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल हटके है। इस समय मौजूद हैं अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर और हमारे साथ मौजूद हैं अम्बाला जिले के पंजोखरा गाँव के 8 साल के रणविजय। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि 8 साल के रणविजय हैं, ये कभी स्कूल इन्होंने स्कूल का रुख नहीं किया, लेकिन जिस फराटे से ये इंग्लिश बोलते हैं इसी के चलते वो आज अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनकी इस फराटेदार इंग्लिश के पीछे किसका हाथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज रणविजय। एंड फ्रॉम वेयर यू आर? पंजोखरा साहिब जी। रणविजय, टेल मी व्हाई डिड यू केम हियर एट शंभू बॉर्डर इन दिस फार्मर प्रोटेस्ट? बिकॉज़ मोदी जी, यू आर नॉट लिसनिंग। You should be like how you used to be like. And please, Modi ji, you should be taking back the 3 black laws. And the 3 black laws are against the farmers. So the laws, the 3 black laws are not good. We never wanted them. So why did you make them? Bharatiya Kisan Union! Jindabad! Okay, Ranvijay, tell me one thing. Did you ever went to the school or not? Only 2 times, 2 different ones. My dad taught me. I was interested in this language, so I wanted to learn it. Okay. So do you know Hindi and Punjabi as well? Yeah. Main Hindi mein bhi baat kar sakta hu. And mainu Punjabi any nahi aundi. Punjabi any nahi aundi. Te mainu eh dassyo ki tusi jehde apne ghar de utte bachiyan nu bhi tuition de rahe ho, ode bare ki kehna chahoge? The students I'm teaching, जो बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ वो अभी बहुत अच्छी इंग्लिश सीख रहे होंगे। एंड द स्टूडेंट्स दैट आई एम टीचिंग, दे आर डूइंग गुड दो, एंड दे आर गोना बी गुड इन इंग्लिश आई थिंक, बिकॉज आई एम द टीचर। ओके, सो यू आर टीचिंग एक्सेंट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। सो टेल मी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव राइट नाउ एंड व्हाट्स देयर एज ग्रुप? दे आर लाइक ओल्ड, a bit older than me, like I think 20 years old, and they are doing good though. Okay, you mean to say most of them are the college going students? Yeah. Is that what you, is that you want to say? Yeah. So right now we have Ranvijay dad over here, Mr. Hardeep Singh. देखिए, रणविजय काफ़ी देर से मेरी हेल्प कर रहा है। अराउंड 2 साल से इसने मेरी 2 साल पहले हेल्प करनी शुरू की थी, और लॉकडाउन से पहले अराउंड इसकी जो पॉकेट मनी थी वो 22,000 रुपये इसकी अपनी पॉकेट मनी थी, क्योंकि वो अपना गुजारा पानी मेरे से नहीं लेता, अपने बच्चे पढ़ाता और मेरे से अपना शेयर लेता है। ठीक है, तो आई एम लाइक अ पार्टनर विद हिम, तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसको इक्वली शेयर कर लेते थे। तो आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड है हमारी। मैं इसे अपना बेटा कम और अपना दोस्त ज़्यादा मानता हूँ और अपना ब्रदर ज़्यादा मानता हूँ। तो एक काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड है कि ये मेरे ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि शायद मैं ही इससे कुछ ले सकता हूँ, ये मेरे से कुछ नहीं ले रहा फिलहाल। ये बताइए कि आप खुद कितने क्वालिफाइड हैं, किस चीज़ की आप कोचिंग देते थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि एक बढ़िया मैसेज भी जाए, लोगों को समझ भी आए कि बच्चों को स्कूल भेजना ही काफ़ी नहीं है, स्कूल के अलावा भी घर बैठा कर भी उनकी अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है उन्हें। देखिए, मेरी जो स्कूलिंग है वो ICSE बोर्ड से है, और वो काफ़ी ICSE एक बोर्ड है जहाँ के हमें हमारे 10th का और प्लस 2 का जो स्टडी थी वो काफ़ी इंटेंसिव करवाई जाती थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने IELTS की कोचिंग देनी शुरू की, और अराउंड फॉर लास्ट 15 years आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर IELTS। नाउ अगर मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ तो आई कैन सर्टनली ट्रेन माई ओन किड्स एज वेल। और स्कूलिंग में क्या एक डिफरेंस है कि स्कूलिंग इज़ लाइक प्रोडक्शन, स्कूलिंग एक प्रोडक्शन बन चुकी है, वेयर इट्स लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग सम स्टफ एंड प्रोड्यूसिंग सम लाइक स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, बट स्कूलिंग शुड बी वेरी इंटेंसिवली सेंटर टूवर्ड्स द ईच किड, एंड यू शुड नॉट ट्रीट एवरी किड इक्वली। ऑल द किड्स दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सो सारे बच्चे अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सारे बच्चे अलग इंडिविजुअल होते हैं। हमें स्कूल्स को फैक्ट्रीज की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे आप एक जैसा सामान बनाओ और एक जैसे गुण रखो सबके अंदर। एंड स्कूलिंग में एक बड़ी कमजोरी क्या गई है कि स्कूलिंग सिर्फ एजुकेशन सेंट्रिक होके रह गया है। अगर आप हमारे इतिहास उठा के देखें तो आप श्री कृष्ण को कहते हैं कि 32 कलाएँ आती थी,
अब गुरु गोविंद सिंह जी उनकी कलाओं के बारे में भी दुनिया जानती है। तो हमारे जो गुरु थे, हमारे जो भगवान थे, उनको कलाएं हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्लियर क्या था कि हर चीज़ एक कला मानी जाती, पढ़ना एक कला है, लिखना एक कला है, तलवारबाजी एक कला है, तीरंदाजी एक कला है, घुड़सवारी एक कला है, इवन सर्वाइवल, अपना जिंदा रहने की स्किल्स भी कलाओं में सिखाई जाती थी। लेकिन अब स्कूलिंग सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक और बुक्स के आसपास घूम के रह गई है। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को हम ज़्यादा सिखाएं, उनको कॉन्फिडेंट बनाएं, उनको पब्लिक स्पीकिंग में, उनको और भी आर्ट्स के अंदर, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो गई है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो पेंटिंग हो गई, चाहे वो आपके घर का खाना बनाना आ गया। आप स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उसे आप पढ़ना लिखना सिखा देंगे, लेकिन क्या आप उसे घर का बेसिक काम करना सिखा रहे हो? नहीं। तो हमें अपने बच्चों को लायक बनाना है इस तरीके से कि वो जिस भी रोल में उनको मिले वो उसमें फिट हो जाएं। So one last question, what was the message to the Prime Minister Narendra Modi regarding farmer protest? What's the message you want to give to the Prime Minister Narendra Modi regarding the farmer protest? Modi ji, you are not how you used to be like. So you should be taking back the three black laws. Okay. And the three black laws are not good. They're against the farmers. So you should be taking them back. Okay. तो ये थे हमारे साथ अंबाला जिले के पंजोखरा गांव के 8 साल के रणविजय, जो अपनी फ्राटेदार इंग्लिश के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। अंबाला से ईटीवी भारत के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।